नितिन गडकरी को जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल नागपुर स्थित कार्यालय में लैंडलाइन फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर स्थित कार्यालय के लैंडलाइन फोन पर दो बार अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही कार्यालय को उड़ाने की धमकी देकर फोन काट दिया। आपको बता दें कि नितिन गडकरी के कार्यालय की ओर से ये शिकायत नागपुर पुलिस को दी गई है, जिसके बाद नागपुर पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। गौरतलब रहे कि नितिन गडकरी के कार्यालय में लगभग सुबह 11:30 बजे और 11:40 के बीच लगातार दो फोन आए। नितिन गडकरी के कार्यालय की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत भी की गई है। नितिन गडकरी का जनसंपर्क कार्यालय नागपुर के खामला चौक पर स्थित है, जो कि उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस खबर की पुष्टि नागपुर पुलिस और नितिन गडकरी के कार्यालय से की गई है। फिलहाल इस खबर से पूरे नागपुर शहर की नींद उड़ गई है। सुबह 11:25 और 11:32 और 12:32 को 3 कॉल आए थे, उसमें जो है वो डिटेल हम निकल रहा है, उसके CDR और अदर एनालिसिस हमारे क्राइम बेंच उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो अभी तक डिटेल नहीं बोल रहे, जो आ गए एनालिसिस चालू है उनका कि क्या चालू है, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आपको डिटेल बताएंगे। पण जोपर्यंत पूर्ण डिटेल येतील, आहे तो नंबर खरा आहे कोणता आहे, तर त्याच्या अनुषंगाने डिटेल आल्यानंतर ऑन रेकॉर्ड आल्यानंतर सगळ्या गोष्टी आपल्याला क्लिअर कर। लँडलाईनवरती फोन होतो तो आणखी कळाल नाही, BSNL कडून CDR मागवलेले, ते जनरेट व्हायला 2 ते 3 तास लागतील, त्यानंतर ते पूर्ण डिटेल नाही, जोपर्यंत डिटेल येईपर्यंत हा आपल्याला आणखी क्लिअर करता येणार नाही। सुरक्षा तर जे आहे ते आम्ही काळजी घेतोय, त्या पद्धतीने सुरक्षाही वाढवलेली आहे आणि साहेबांच्या जे ज्या ठिकाणी प्रोग्राम आहेत त्या ठिकाणी आम्ही त्या पद्धतीने काळजी घेऊ। NBC News के लिए व्हिडिओ जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।